और वही क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब? तो आज मेरे पास काफी सारी स्टोरीज है, जैसे कि क्या दिस्सी गेमर फेक वीडियो बना रहे हैं, इस चीज पे वो खुद रिएक्ट किए हैं, एंड दिखाऊंगा कि टू साइड गेमर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे क्या कहे, और साथ ही साथ बहुत जल्द आपको उनकी तरफ से एक और सॉन्ग देखने को मिल सकता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ये सब कुछ जानने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फॉर बात करने वाले हैं एरो गेमिंग के बारे में। तो लास्ट कुछ दिनों से वो अपने चैनल पे बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने लगातार 12 दिन तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। सो इसके बाद उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उनसे लगातार पूछने लगे कि भाई आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे। तो फाइनली वो इस चीज पर रिएक्ट किए, तो आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और बहुत टाइम से इनएक्टिव था यूट्यूब पे, तो आप लोग में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, और ऑलमोस्ट मैंने 11 दिन बाद वीडियो पोस्ट करी है। तो उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं, और जिनको रीजन जानना है तो वो वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सो वीडियो ना बनाने का रीज़न बहुत सारा, जैसे मैंने बोला, बट मेरे हिसाब से जो सबसे मेन रीज़न है मेरा वो है कि आज इंडिया में एंड जितने भी इंडियन सर्वर, सीधे सीधे बोलूँ तो यहाँ पे लोग ई स्पोर्ट की तरफ ना जाके खुद नहीं सीखना है लोगों को। लोगों को क्या करना है, बस लोगों का कंपैरिजन करना है, ये यूट्यूबर ऐसा है, ये यूट्यूबर इनसे अच्छा है, वो यूट्यूबर इनसे अच्छा है, वो इससे अच्छा खेलता है, बस यही कर रहे हो। भाई खुद सीखो ना, एक साल से चीज़ें सिखा रहा हूँ, किस लिए? ताकि तुम लोग सीखो, तुम लोग खुद आगे आओ, और इवन जिनको तुम अपना आइडल मानते हो उनको कड़ी टक्कर दो गेम प्ले में। तो अभी सोच रहे हो कि तुम ई स्पोर्ट में जाओगे कैसे? बहुत सिंपल है मेरे भाई, बस 4 लोग की एक टीम बना लो जिनके साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ठीक है? So yes, यार, आप इस चीज पे क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ, एंड हम बात करने वाले हैं अघोरी गेमिंग के बारे में। सो आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि कल मैं इनके बारे में एक न्यूज कवर किया, जिसमें इन्होंने खुद बताया था कि टू साइड गेमर के टूर्नामेंट में फ्रॉड हो रहा है, बट फाइनली वो चीज सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, एंड इसी के बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये पोस्ट किए, TAG स्क्रीन्स और टूर्नामेंट का प्रॉब्लम पूरा ठीक हो गया है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स game.tv, पूरा मैटर सॉर्ट आउट हो गया है, आगे से ख्याल रखना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ, एंड बात करने वाले हैं टू साइड गेमर के बारे में। सो आज जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो लाइव स्ट्रीम करते वक्त ही उनके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। जी हाँ, तो इसी चीज पे वो रिएक्ट किए, एंड साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि बहुत जल्द वो एक सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं, तो उसी का छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूँ। गाइस, वी आर सो क्लोज टू 6 मिलियन, एक सब्सक्राइबर और ये बुया, पूरा का पूरा एक सब्सक्राइबर चाहिए। ओपे 6 मिलियन बोलते वापस 5999 पे आ गए हम। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बहुत ही बड़े कोलैबोरेशन के बारे में, जहाँ पे इंडिया के रैप सुपरस्टार इक्का एंड इंडिया की पॉप प्रिंसेस शान मलिक कोलैब करने वाले इंटरनेशनल यूट्यूब सेंसेशन और के-पॉप स्टार वेंजी के साथ। रैप का नाम है थिंग यू वांट, एंड इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। सो अगर आपको रैप पसंद है, देन आई एम प्रिटी श्योर आपको एक गाना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर से सुनिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। She's moving like a cyclone. मैं रैप करूं तेरे लिए, करो कोई माइक ऑन। She's a fly in a fly zone. एक दो तीन माधुरी वाली वाइब ऑन। हॉट है कवि का मिलन है चंदा से रवि का, आग जो लगी का हुसन की मल्ली का, नशा है ग्रीन तू गली, हिमाचल से चली जो चिलम में गली का। कम क्लोज थोड़ा पास सा, आग सा बदल जलना चाहता हूँ मैं रैम का, सब मेरा तेरा मेरी रानी मैं हूँ शहंशाह, 100 ways of love कौन सा देखेगी तू पैंतरा। वापस 6 मिलियन हो गए। यो गाइस, ओपी 6 मिलियन हो चुके। तो गाइस जैसा कि हमने बोला था, नहीं जैसा कि हमने बोला था 6 मिलियन पे कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, तो वो अनाउंसमेंट है क्या है? तो गाइस, TSG का न्यू सॉन्ग सुन आने वाला है फिर से एक और ओपी वाला, सो बी रेडी। ये व्लॉग में हमने थोड़ा सा स्नीक पिक दिया है सॉन्ग का, जाओ जाके व्लॉग देखो TSG आर्मी चैनल पे, ठीक है? तब तक ये गेम भाई कॉम्बो फॉर 6 मिलियन, थैंक यू सो मच भाई लोग जो भी विश कर रहे, दिल से शुक्रिया। एंड यस, बी रेडी फॉर द न्यू सॉन्ग।
सो लेट्स सी वो कब तक इस सॉन्ग को पब्लिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ एंड हम बात करने वाले हैं स्काई लॉर्ड के बारे में। सो रिसेंटली वो अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पे उन्होंने एक यूट्यूबर को काइंड ऑफ एक्सपोज किया। सो उस पर्टिकुलर वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों को बोल लगे कि भाई आप लड़कियों की इज्जत नहीं करते। सो इस सब चीज पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये पोस्ट किया, वो तुम्हें लड़की के नाम पे गुमराह करेंगे पर तुम आईटी को स्कैम की पर रुके रहना, #digitalchor, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, फेमिनिज्म किस बात का जब गवर्नमेंट खुद बोलती है लड़का लड़की एक समान, एनी डाउट्स, टॉपिक मत चेंज कर, आईडी वापस कर, आईडी ग्रीन बंडल है उसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ एंड बात करने वाले हैं देसी गेमर के बारे में। सो रिसेंटली जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो किसी ने उनको बोला कि आप जो भी प्रैंक वीडियो अपलोड करते हो वो सब स्क्रिप्टेड या फिर फेक होता है बोल के। तो इस चीज पे रिएक्ट या फिर काइंड ऑफ रिप्लाई देते हुए उन्होंने कुछ ये कहा, गाइज लाइक करो, 50,000 लाइक चाहिए मेरे, कुछ नहीं जानता हूँ गाइज, इसको मैंने ऐड किया है। देखो गाइज ऐसे ही मैंने रैंडम प्लेयर को लिया था, बहुत सारे लोग कमेंट में स्क्रिप्टेड लिख रहे थे, भाई माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, जो आज का वीडियो था रैंडम प्लेयर कॉल्ड मी नू, उसको मैंने कभी जिंदगी में जाना हूँ ना मैंने उसके साथ कभी खेला है, वो रैंडम रैंक मेरे को वर्ल्ड चैट से मिला, मैंने उसको थोड़ा उसकाया, वो बंदा मेरे को नूब नूब बोल रहा था और इसी प्रकार से हम लोग ने वीडियो बनाया बस ना। उसके बाद मैंने उसको आलोक देने के बाद अनफ्रेंड भी कर दिया और मैं जानता भी नहीं कौन है वो, और उसको मैंने पूछ के डाला क्या मैं ये वीडियो चैनल पर डाल सकता हूँ बोलते। और गाइस तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ एंड बात करने वाले हैं एएस गेमिंग के बारे में। सो ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द अपना फेस रिवील कर सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि रिसेंटली उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे एंड इस टॉपिक रिगार्डिंग उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये पोस्ट किया। सो लेट्स सी वो कब तक अपना फेस रिवील करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ एंड बात करने वाले हैं फैम कश के बारे में। सो आज वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये पोस्ट किए, वेट कुछ आना बाकी है, क्या लगता है आपको क्या ये फिर से एक्सपोज वीडियो होगा, अगर हाँ तो किस यूट्यूबर के ऊपर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड हाँ गाइस जरूर से दिए हुए लिंक पे श्रेय वाइट स्पैम कर दीजिएगा क्योंकि भाई अच्छा लगता है। ठीक है भाई मैं चलता हूं। ओके ओके बाय। ओके।